डिजाइन बनाने के लिए हमने 8.5 इंच की लंबी एक बाजू कट की है। इसके बाद हम बाजू में ऊपर से 3.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। उसके बाद उसे इस तरह से रखते हुए एक लंबी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है। मैंने पहले से ये करके रखा हुआ है। इसके बाद सेंटर से हम 2.5 इंच पर एक मार्क करेंगे। इस तरह से हम सेंटर से 2.5 इंच पर एक मार्क करेंगे और इस तरह से गोलाई देते हुए उसे मिला लेंगे। इस तरह से गोलाई देते हुए उसे हम मिला लेंगे। इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से हमारा बाजू का शेप आ जाएगा। इसके बाद हम एक अलग कलर की फैब्रिक लेंगे जिसकी लंबाई हमारी है 4 इंच। 4 इंच से कुछ ज्यादा ही है। यहां से यहां तक हम जितनी लंबाई लेंगे उससे 1/2 इंच एक्स्ट्रा हम इस कपड़े की लंबाई रखेंगे और जिसकी चौड़ाई होगी डबल फोल्ड में 8.5 इंच। इसके बाद हम इसमें सेंटर में कट लगाएंगे। इसके बाद हम इसमें छोटे छोटे प्लीट्स बेल लगाएंगे। इसमें हम इस तरह से सेंटर में हम इसमें प्लीट्स बैठाते जाएंगे। तो प्लीट्स को हमने लगा के कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहां से धागे को कट करेंगे। इसके बाद हम प्लीट्स को अच्छे से बैठाते हुए इसके सेंटर में भी सिलाई लगाएंगे। तो एक सिलाई हमने लगा के कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहां से धागे को कट करेंगे और इसमें एक सिलाई और लगाएंगे। ये सिलाई भी हमारी लग के कंप्लीट हो चुकी है। अब हम धागे को कट करेंगे। इसके बाद हमने जो ये सिलाई लगाई थी उससे 1/2 इंच छोड़ते हुए हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग हमारी हो चुकी है। अब हम ये प्लीट्स लेंगे और हमने जो ये बाजू कट किया था इसे इस तरह से रखेंगे और इस पर एक सिलाई चला लेंगे। सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम धागे को यहां से कट करेंगे। इसके बाद ये जो एक्स्ट्रा प्लीट्स हैं हमारे इसकी हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हम इसे मोड़ेंगे। यहां पर हम इसे बाजू का शेप देंगे।
इसके बाद हम इस पट्टी को लेंगे और इसमें लगभग हम आधे इंच की गैपिंग देंगे। इसके बाद हम इस तरह का चकोर शेप में एक कपड़ा लेंगे जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों मैंने 1.5 इंच रखी है। इसे एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे और एक बार ऐसे फोल्ड करके इस पर एक सीधी सिलाई चला लेंगे। सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ से धागे को कट करेंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे भी हम कट कर लेंगे। इस तरह से हम ढेर सारे डिजाइन रेडी करेंगे और इसे इस तरह से रखते हुए इस पर हम एक सिलाई चला लेंगे। इसे हमें जो 1/2 इंच गैपिंग दिया था वहां से लगाना है। रेडी कर लिया है। अब हम यहां से धागे को कट कर देंगे। इसके बाद हम ब्लाउज के इस पार्ट को लेंगे और इस तरह से रखते हुए इस पर हम एक सीधी सिलाई चलाएंगे। सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहां से धागे को कट करेंगे और इसे इस तरह से पलट लेंगे और फिनिशिंग के लिए इस पर एक सिलाई और चलाएंगे। तो ये सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहां से धागे को कट कर देंगे। इसके बाद हम ये लेस लेंगे और उसे इस तरह से डिजाइन के ऊपर रखते हुए हम एक सिलाई लगा लेंगे। ध्यान रहे कि हमारा जो ये लेस है इसका आधा पार्ट इस साइड आना चाहिए और आधा पार्ट इस साइड आना चाहिए। तो इस तरह से हम इसे बीचों बीच रखेंगे और इस पर एक सिलाई लगा लेंगे। तो एक सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहां से धागे को कट करेंगे और एक्स्ट्रा लेस को भी कट कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें एक सिलाई और लगाएंगे। तो ये सिलाई भी हमारी लग के कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहां से धागे को कट करेंगे। इसके बाद हम फिर से लेस लेंगे और उसे इस तरह से रखते हुए इस पर सिलाई चलाएंगे। इसमें भी हमें सेम प्रोसेस करना है। हाफ लेस का हाफ हमारा इस साइड और हाफ हमारा इस साइड आना चाहिए। सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहां से धागे को कट करेंगे और एक्स्ट्रा लेस और फैब्रिक को भी। इसके बाद हम इसमें फिनिशिंग के लिए एक सिलाई और लगाएंगे। तो ये सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहां से धागे को कट करेंगे। इसके बाद हम बाजू को फोल्ड करेंगे, सॉरी इसे ऐसे हम पलट लेंगे और एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे और एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे। इसके बाद हम इस पर एक सीधी सिलाई चला लेंगे। सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहां से धागे को कट करेंगे और जितने भी एक्स्ट्रा धागे हैं सारे को हम कट कर लेंगे। इसके बाद हम इसे मोती से अच्छे से डेकोरेट कर लेंगे।
तो ये देखिए, हमने इसे मोती से अच्छे से डेकोरेट भी कर दिया है। अब हम इस सिलाई को खोल देंगे। तो हमने सिलाई भी खोल दी है और हमारा बाजू बनकर रेडी है। इसका लुक कुछ इस तरीके का आएगा।